हेलो गाइस, माय सेल्फ विनय दत्ता एंड यू आर वाचिंग दत्ता एजुकेशनल एकेडमी। ओके, लास्ट टाइम ऑलरेडी आई इन्फॉर्म्ड, ऑलरेडी आई सेड टू यू कि बहुत ही इजी मेथड में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, जो ट्रांसलेशन मेथड से हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन मेथड से मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन का हमने पढ़ाया था लास्ट टाइम में, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। ओके, अभी हम स्पोकन पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, यानी ग्रामर पोर्शन एज वेल एज स्पोकन पोर्शन, दोनों पोर्शन को फॉलो करते हैं आगे बढ़ना है, तभी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो स्पोकन पोर्शन में मतलब होता क्या है, देखिए इसमें कुछ हमने ट्रिक्स बनाए। ट्रिक्स नंबर वन, जैसे एम इज आर, इसका मीनिंग होता है हु, ठीक, किस तरीके से बातें करना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है क्या आप होशियार हो, क्या आप फलाना हो, क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप बार्बर हो, क्या आप कारपेंटर हो, क्या आप मूर्ख हो, जो भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछना है, क्या वो लड़का ऐसा है, क्या वो लड़का ऐसा है, क्या वो लड़की ऐसा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछना है, तो हमें किस तरह से इंग्लिश में पूछना है उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला किस तरीके से, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या तो एडजेक्टिव। अभी उसके बाद में उसके आगे ये हो गया क्वेश्चंस, उसके बाद में आंसर, आंसर देते समय कैसा होगा, यस, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन या तो एडजेक्टिव। ठीक है, नो नहीं, आंसर दो तरह का होगा, है ना, नो जो भी आप लेना चाहते ले सकते। आर यू क्लेवर, हो गया ऐसा क्वेश्चन पूछना है, क्या आप ये हो, क्या आप वो, क्या लड़का ये है, आर यू क्लेवर, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, फिर सब्जेक्ट मतलब किससे पूछ रहे तुमको, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर आए होगा, हाँ मैं होशियार हूँ, दिस लाइक यस आई, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, इस तीनों में से क्या आई एम क्लेवर, बस सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर ना बोलना है तो नो आई एम नॉट क्लेवर, राइट, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है एकदम। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसके आगे इसके बाद में मैं पूरे स्पोकन स्किल लिखा दूंगा, जैसा क्या मैं होशियार हूँ, क्या मैं टीचर हूँ, क्या मैं फलाना हूँ, तो आप क्या बोलोगे, हाँ तुम ये हो, हाँ तुम ये हो, या तो नहीं तुम हो, नहीं हो, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो आगे आपको प्रैक्टिस करना है इसका सिस्टमेटिक, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। A few moments later. देखिए तो अभी स्पोकन स्किल किस तरीके से बातें करना है, बातें करने के लिए फिर घर में कैसे प्रैक्टिस करना है, देखिए याम मीन्स हु, इज मीन्स है, आर मतलब भी है, ठीक है, और आर यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट का मीनिंग मैं बता देता हूँ, देखो आई मीन्स मैं, ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, राम मीन्स मतलब किसी भी मेल पर्सन का नाम, सीता मीन्स यहाँ पर किसी भी फीमेल पर्सन का नाम, एंड डॉग मीन्स किसी भी एनिमल्स का नाम, यू मीन्स इट्स आर, ओके, वी मीन्स हम लोग, ठीक है, मैं नहीं हम सभी, ओके, दे मीन्स वे लोग, मैं नहीं तुम नहीं बाकी सभी, ओके, चलिए तो देखो, याम आई शॉर्ट, क्या मैं शॉर्ट हूँ, ओके, क्या मैं छोटा हूँ, डिसलाइक ऑन, आंसर क्या होगा, हाँ तुम शॉर्ट हो, नहीं तुम शॉर्ट नहीं हो, तुम छोटे नहीं हो, डिसलाइक ऑन, नेक्स्ट, उसके बाद में इजी शॉर्ट, इजी शॉर्ट, इजराम शॉर्ट, इजीता शॉर्ट, डिसलाइक, आर यू शॉर्ट, आर वी शॉर्ट, आर दे शॉर्ट, डिसलाइक ऑन, ओके, तो किसी तरीके से आपको बातें करना है, देखो क्या मैं क्लेवर, क्या मैं क्लेवर हूँ, इजी क्लेवर, क्या वाला लड़का क्लेवर है, इजी क्लेवर, क्या वाला लड़की क्लेवर है, इज राम क्लेवर, क्या राम क्लेवर है, क्लेवर मींस होशियार, ओके, इज सीता क्लेवर, क्या सीता होशियार है, आर यू क्लेवर, क्या तुम क्लेवर हो, आर वी क्लेवर, क्या हम लोग क्लेवर है, आर दे क्लेवर, क्या वे लोग क्लेवर है, क्लेवर मींस होशियार, क्या वे लोग होशियार है, इस टाइप से तभी नहीं बनता है, आंसर कैसा होगा, हाँ मैं क्लेवर हूँ, नहीं मैं क्लेवर नहीं हूँ, यस आई एम क्लेवर, नो आई एम नॉट क्लेवर, यस ही इज क्लेवर, नो ही इज नॉट क्लेवर, यस शी इज क्लेवर, नो शी इज नॉट क्लेवर, यस राम इज क्लेवर, नो राम इज नॉट क्लेवर, यस सीता इज क्लेवर, नो सीता इज नॉट क्लेवर, यस डॉग इज क्लेवर, नो डॉग इज नॉट क्लेवर, इस तरीके से जैसा क्वेश्चन पूछा, आर यू क्लेवर, तो यस आई एम क्लेवर, नो आई एम नॉट क्लेवर, ओके, यहाँ पर जैसा आर वी क्लेवर, सो यस वी आर क्लेवर, नो वी आर नॉट क्लेवर, इस तरीके से हमें तो प्रैक्टिस करना है, हाँ मैं ऐसा हूँ, चलिए वीडियो को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ओके।